सब लोगों का सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। हम इबलीस रिजवी के अब्बा बोल रहे हैं, पिताश्री हैं उनके, बाप हैं। लेकिन भैया, हम आप सबसे बहुत ही माफ़ी मांगते हैं कि ये जो साला आजकल अनाप शनाप बक रहा है कुरान शरीफ के बारे में, और हम खुद से भी माफ़ी मांगते हैं कि ये साले को पैदा नहीं करना था, ये पैदा हो गया। आपको पता है, जब अस्पताल में कोई बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टरवा आके बोलता है कि मुबारक हो, लौंडिया हुई है, लौंडा हुआ है। लेकिन जब ये साला पैदा हुआ था तो डॉक्टरवा आके हमको बोला कि मुबारक हो, इबलीस पैदा हुआ है। साला तभी हमको शक हो गया था कि वो गड़बड़ करेगा, लेकिन ये ना पता था कि अल्लाह मियाँ से पंगा ले लेगा। तो जब वो अल्लाह मियाँ से पंगा लेस है तो उसका पता चल ये है कि अल्लाह मियाँ के लठमा आवाज़ ना होते। हाँ, जहाँ पर पड़त है वो आवाज़ ज़रूर गायब हो जाते। तो कमई दिन की एक ज़िंदगी बची है, बकले दो जितना अनाप शनाप बकरा है, कुछ हुए ना। और आप लोग जहाँ इका देखो सुलटाए दो, क्योंकि ऐसे लोगों का धरती पर बोझ ठीक ना है। हम उनका जायदाद से बेदखल कर दिए हैं। बाप है, थोड़ी तकलीफ होते है, लेकिन हम इनका जायदाद से बेदखल कर दिए हैं। हम पेपर में बयान दिए रहन कि इका अब यहाँ कुछ ना है, इका हम जनते ना है। इका एक दो चड्डा घर पर पड़े हैं, लेकिन अब जायदाद से बेदखल है, तो वो चड्डा हम जलाए देवा, लेकिन इका ना देव। आप लोग देख लियो जहाँ मिले।